रगड़ दे भांग तू बोरा मत ना जे ठोरा दुखन ला मेरा कातरे बोलो शंकर भगवान की। जैसे कि आप सभी को पता है कोकारिक शिवरात्रि है और सभी भक्तगण बहुत जोरों शोरों से दीरा में लीन हो चुके हैं और अपने भगवान के लिए अपने शंकर भगवान के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जल अर्पण करने के लिए जो उनका उत्साह है इनमें वो एक अलग ही लेवल का है। तो मतलब इतने सालों से ये कांवड़ यात्रा चल रही है तो इस बार जो कांवड़ यात्रा है वो आपके सामने है। इतना जोर शोर से यहाँ पे मतलब यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और हमारे साथ एक मतलब भाई है उसी तरह पूछते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो जैसे सर अपने को मतलब काफी सालों में यात्रा चल रही है तो इस बार इस यात्रा में क्या अलग है, आपको क्या लगा, क्या कहना चाहोगे? तो जैसे कि आप कुला गांव के अंदर बैठे हैं सर, तो आप कुला गांव के अंदर आपको क्या लगता है कि आप मतलब आई साल यहाँ पे कांवड़ लेके आते हो तो आप यहाँ से निकलते हो तो आपको क्या मतलब यहाँ पे क्या चीज़ अच्छी लगी कुला गांव में? तो जैसे कि हमारे साथ बहुत सारे बैठे हुए हैं तो जिनका भी व्यू लेते हैं और जैसे कि आप कहाँ चल रहे हैं? वो शंकर भगवान की जय नदी तो आया पूरा, ठीक है नदी हर बार तो आएंगे नदी जाना हर एक चीज़ फर जाने बढ़िया सभी जाने वैसे जो भी ना पुलिस भी करती है हर पास से लाइट है अपने इधर लाइट नहीं की सही है सही है कौन सी काउंट लेके आ रहे हैं? हम भोलेनाथ से उधर भोलेनाथ को उठा रहे हैं। हमने 25 तारीख को उठाई थी 6 बजे शाम 25 उठाई हाँ 25 अहमदाबाद से 6 दिन में हो गए हाँ हमको 6 दिन ठीक है। तो देख लो भाई 6 दिनों से जहाँ मतलब इतने यात्री चल रहे हैं और 350 किलोमीटर मतलब एक अलग ही ऊर्जा है जो इन्हें 350 किलोमीटर की दूर लेके आती है और देख लो जैसे भाई रखे आगे हैं और यहाँ पे हमारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करके पूरी आगे चलेंगे यहाँ पर हम देख रहे हैं और आप यहाँ देख सकते हो सभी इतनी भीड़ लगी हुई है सभी यात्रीगण यहाँ पे पूरी रेस्ट ले रहे हैं गाँव के। बोल सच्चे दरबार की बोल बम 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 बम। आप देख सकते हो यहाँ पे 350 किलोमीटर चलने के बाद भी इतना जोश है और ये जोश बरकरार रहेगा जब तक जल अर्पण न हो जाए तो इन सभी भाइयों की तरफ से तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पे अपने साथ कांवड़ यात्रियाँ हमारे साथ हैं और इतने जोश के साथ यहाँ पे ये अपने थोड़ी इतने दूर से हरिद्वार से यहाँ पे लेके आए हैं तो इनका थोड़ा रिव्यू लेते हैं। बाकी सर बहुत सुविधा कर रखी है बाबा जोगी ने बहुत सुविधा हाँ पुलिस वालों की बहुत करती है। बाकी सर यात्रा बोले की कृपा से बहुत बढ़िया हो रही है ना कोई पैरों में छाला नहीं प्यारे पंजे भक्त बहुत बढ़िया है। तो इन सभी को हम एक जोर भरी जय शंकर कह के और विदा लेते हैं। बोलो जय शंकर की जय शंकर की। भोलेनाथ की कृपा बहुत बढ़िया आ रहा है सारे सारी यात्रियों की सुविधा बहुत बढ़िया हो रही है क्योंकि जोगी ने बहुत कुछ लगा रखी है अपने अपने गांव में क्योंकि जोगी भी बहुत अच्छे से रातों की सुविधा रातों का सफर कटा हमने हम मोदी को बोलना चाहते हैं अभी अपने भी यहाँ पर भी हरियाणा में भी करो ऐसे सिस्टम। बोल शंकर भगवान की जय बोल जकारो वीर प्रजोगी बोलो शंकर भगवान की जय। तो आप देख सकते हो भाई ये सभी भाईगण यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इतने जोश से यहाँ पे ये अपने घोड़े को स्मरण कर रहे हैं और रतिया से ये सभी भाई हैं तो इनसे पूछते हैं कि भाई साहब ये किस प्रकार की कांवड़ लेके जा रहे हैं और कहाँ तक इनका टारगेट ले जाने का। तो सर आप थोड़ा बताइए ये आपकी कौन सी कांवड़ है और कहाँ तक आप इसे लेके जाएंगे? सर मेरी जूदा कावड़ है और मैं रतिया लेकर आऊँगा हरिद्वार से। रतिया आपको पता है हरियाणा में या जिला फतेहाबाद। बाकी देख लो भाई साहब कितनी मस्ती में जा रहे हैं सभी भाई थोड़ा जा रहे हैं और कोई बात नहीं ऐसा होता है तो इतना जोश से जा रहे भाइयों ने यहाँ पे और
वहाँ पे देखो एक अपने भाई साहब बड़े भाई साहब देखो किस प्रकार से कितनी अच्छी वेशभूषा में यहाँ पे उतार रहे हैं और बड़े अच्छे यहाँ पे इनका एक प्रभाव पड़ रहा है इन ड्रेस में। पट्टिया कराई फिरते हो? अच्छा 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 की गल होगी इन महादेव थोड़े दे मेहरबानी है पूरा प्रसन्न हाँ प्रसन्न प्रसन्न कुछ ज्यादा ही हो गया मुझे लगता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो जैसे कि हमारे साथ हमारे चाचा जी जुड़ चुके हैं और इनकी वेशभूषा देखिए कितनी अलग सी वेशभूषा है और इतनी जोश में ये पूरी कावड़ वहाँ से इतनी दूर से लेके आए हैं। तो चाचा जी आपको क्या एक्सपीरियंस लगा और कितनी दूर से आप यहाँ तक आए हो? यहाँ से कम लगभग 250-300 किलोमीटर के लगभग पड़ गए। तो वहाँ से लेके यहाँ तक ऐसा लगा ही नहीं है कि हम कहीं दूसरे मतलब राज्य में गए हैं, ऐसा भी गड़बड़ का ही वहाँ भी मॉल था, रास्ते में भी जगह जगह शिविर लगे हुए हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं लोग वहाँ पर, अच्छा मतलब जो कांवड़ी है आने जाने वाले हैं उनके लिए खाना पीना हर एक चीज़ की ऐसी व्यवस्था है कि जैसे शादी और ब्याह में होती है, बहुत अच्छी व्यवस्था करके हो गए। आप कितने सालों से कांवड़ ला रहे हैं? ये मेरे को आज 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो मतलब आपको क्या डिफरेंस लगा पहले के टाइम से और अब में, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या सुविधाएं हैं? मतलब सुविधा पहले था लेकिन जगह जगह अब तो मतलब सुविधा ये है कि अब जगह जगह शिविर लगाए गए हैं, कांवड़ियों को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। पहले था डिफरेंट था, पहले मतलब काफ़ी दूर पे जाके कांवड़ियों को अपनी कांवड़ी झुलानी पड़ती थी, काफ़ी दूर बाद शिविर मिलते थे तो तंग थे कांवड़ी और लाइट की व्यवस्था तो बिल्कुल ही नहीं थी उधर। अब तो यूपी के अंदर उधर से लेके यहाँ सहारनपुर तक यमुनानगर तक लाइटें लगवाई हुई हैं, लाउड स्पीकर लगवाए हुए हैं, इतनी सुविधा करके कि उन्होंने अपने ना जो एक साइड का हाईवे है ना वो बंद कर रखा है कांवड़ियों के लिए स्पेशली। तो मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप तो यहाँ पे कांवड़ लेने गए थे पर अगर किसी व्यक्ति ने वैसे घूमने के लिए जाना हो तो वहाँ पे कौन कौन सी जगह है, जैसे गौमुख हो गया, गंगोत्री हो गया, तो मतलब उसमें क्या क्या जगह है? नीलकंठ हो गया, नीलकंठ है, मनसा देवी का मंदिर हो गया, चामुंडा माता का मंदिर हो गया, ये देखने के लायक है सब कुछ। और जैसे कि ऐसा क्या है, क्या डिफरेंट है वहाँ पे, जो वहाँ पे हमें जाना चाहिए देखने के लिए? देखने के लिए डिफरेंट है, वहाँ स्वर्ग है, देवनगरी है, देवनगरी घूम के आओगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से और वहाँ का डिफरेंट कितना है। स्वर्ग से मतलब आपका क्या है, वहाँ पे शांति का माहौल है, ठंडा मौसम, बिल्कुल सब मिलजुल के रह रहे हैं, कोई ऐसा नहीं जोर जोर गिल्ला नहीं है, बिल्कुल मिलजुल के जय बोलेगी बोलते हैं। और इधर थोड़ा गर्मी का भी है, उधर थोड़ा ठंड है, बरसात हो रही है, बदले हैं, मतलब पहाड़ों के अंदर बदले, आपको बिल्कुल साफ नजर आएंगे, घूमने की जगह है वहाँ, मत्था टेकने की जगह, आप जाओ एक बार घूम के आओ। आपको इस टाइम क्या कैसा लग रहा है? आपको बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब फीलिंग आ रही है, बढ़िया। आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा? बहुत अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया है। अब की तो इतनी सुविधा दी हुई है कि आज से 14-15 साल में पहले गया था, इतनी सुविधा पहले नहीं थी जो सुविधा अब दी गई है। जो राजा यूपी के अंदर से हम क्रॉस होकर आते हैं वहाँ पे हाईवे है, पूरा हाईवे का एक साइड बंद कर रखी है उन्होंने स्पेशल कावड़ियों के लिए, अगर कोई भी एंट्री करता है ना कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल के लिए, उनके सख्त कानून बनाए गए हैं उनके लिए, कोई एंट्री नहीं कर सकता। जगह जगह चौकों पे पुलिस खड़ी है, सुरक्षा बल खड़े हुए हैं भाई, कोई कावड़ियों को कोई परेशानी ना हो किसी प्रकार की, कोई टच ना करे, बढ़िया सुविधा दी गई। तो जैसे कि आप देख सकते हो कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनका, तो ऐसे ही हम और कावड़ियों से मिलते हैं और उनका भी एक्सपीरियंस आपको दिखाते हैं क्या रहा उनका। तो इसी के साथ हम विराम लेते हैं और जुड़े रहना हमारे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बोले, जय श्री राम सभी को। आज 1 तारीख है और शाम के लगभग 8 बज चुके हैं और आप यहाँ पे दृश्य देख सकते हैं मंदिर का। मंदिर के अंदर अभी इतनी रौनक नहीं है, बिल्कुल मतलब शांत है यहाँ पे माहौल। और अभी कुछ ही टाइम के बाद जब 12 बजेंगे तो यहाँ पे कांवड़ियाँ आएंगी, यहाँ पे जल अर्पण करेंगी, तो उस टाइम का आपको सीन दिखाएंगे अभी वहाँ, उस टाइम क्या यहाँ पे माहौल रहता है और आपको पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। तो इसी के साथ हम लेते हैं विराम और हाँ, कल की वीडियो भी आएगी ये आज, अब थोड़ी देर में मतलब करीब 10 बजे करीब ये अपलोड हो जाएगी। और इसको वीडियो को बहुत प्यार देना और हमारे चैनल को सपोर्ट करना। जय हिंद, जय भारत।